दोस्तों स्वागत है आपका। इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज जो है वो खत्म हो चुकी है और इस टेस्ट सीरीज को दोस्तों इंग्लैंड ने 4-1 से जो है वो अपने नाम कर लिया। कई मैच जो है दोस्तों काफी ज्यादा टफ गए थे, बहुत ही ज्यादा करीबी गए थे और वो जो है एंड के मौके में इंग्लैंड के फेवर में चले गए। और दोस्तों काफी ज्यादा ऐसे प्लेयर थे टीम इंडिया की तरफ से जिनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा दिखाया गया इस टेस्ट सीरीज में, लेकिन वो जो है इस भरोसे पे खरे नहीं उतरे। और ऐसे में दोस्तों अब उन प्लेयर का टीम इंडिया में वापसी करना, दोबारा से प्लेइंग 11 में दिखना काफी ज्यादा मुश्किल। और ऐसे ही दोस्तों हम 5 खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं जिनके ऊपर टीम इंडिया ने काफी ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन अब जो है वो दोबारा से प्लेइंग 11 में उनका दिखना वो काफी ज्यादा मुश्किल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों नंबर 5 पर इस लिस्ट में है उमेश यादव, जिनको पहले टेस्ट मैच में मौका दिया गया और पहले टेस्ट मैच में दोस्तों वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए, जबकि उनको छोड़कर बाकी पेसर की बात करें चाहे वो ईशांत शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी हो, तो तीनों ने ही दोस्तों पूरी सीरीज में काफी अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन उमेश यादव दोस्तों इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए जिसके बाद से जो है उन्हें मौका भी नहीं मिला और अब दोबारा से उनका प्लेइंग 11 में आना काफी ज्यादा मुश्किल। नंबर 4 पर है दोस्तों इस लिस्ट में स्पिनर कुलदीप यादव। ओडीआई और टी20 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में दोस्तों कुलदीप यादव को मौका दिया गया, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है दोस्तों उनको काफी अच्छे से खेल रहे थे, बहुत ही आसानी से जो है वो खेल रहे थे और वो एक भी विकेट जो है वो नहीं ले पाए। और रविंदर जडेजा और अश्विन के होते हुए अब कुलदीप यादव का दोबारा से टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में जगह बनाना काफी ज्यादा मुश्किल। नंबर 3 पर है दोस्तों इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या, जिनके ऊपर पूरे ही सीरीज में बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया विराट कोहली ने। 4 टेस्ट मैच उन्होंने लगातार खेले, कोई भी जो है दोस्तों वो इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए, सिर्फ एक इनिंग में जो है उन्होंने 5 विकेट होल लिए, बैटिंग में दोस्तों वो कुछ भी खास नहीं कर पाए। और जब मौका मिला उनकी जगह पर हनुमा विहारी को 5वें टेस्ट मैच में, रविंदर जडेजा को मौका मिला, तो दोनों ने ही जो है दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और बताया कि उनको जो है पूरे टेस्ट मैच में मौका मिलना चाहिए था। और ऐसे में दोस्तों अब दोबारा से हार्दिक पांड्या का वापसी कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि टीम इंडिया के पास रविचंद्रन अश्विन होने वाले हैं, रविंदर जडेजा होने वाले हैं और एक और ऑप्शन आ चुका है हनुमा विहारी के तौर पे। और ऐसे में दोस्तों हार्दिक पांड्या के लिए भी जगह बना पाना टेस्ट स्क्वाड में काफी ज्यादा मुश्किल। नंबर 2 पर है दोस्तों दिनेश कार्तिक, जो कि शुरुआती मैच में नंबर 1 चॉइस थे विकेट कीपर के। पहले मैच में इन्हें मौका दिया गया जहां पर ये फ्लॉप रहे, उनके बावजूद जो है दोस्तों इन्हें दूसरे टेस्ट मैच में भी मौका दिया गया और वहां पर भी ये फ्लॉप साबित हुए। और जिस तरह से दोस्तों ऋषभ पंत ने विकेट कीपरिंग करी, बैटिंग करी, वैसे में दोस्तों अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल कि दिनेश कार्तिक जो है टेस्ट मैच में हमें दोबारा प्लेइंग 11 में दिखाई दे। ऋषभ पंत दोस्तों काफी अच्छा खेले और ऋषभ पंत ही जो है अब रेगुलर इंडिया के विकेट कीपर होने वाले हैं। नंबर 1 पर दोस्तों इस लिस्ट में है मुरली विजय, जो कि इस टेस्ट सीरीज से पहले नंबर 1 चॉइस थे ओपनर के। उनको नंबर 1 चॉइस कहा जा रहा था कि ये जो है फिक्स ओपनर रहने वाले हैं इंग्लैंड दौरे में। पहले टेस्ट मैच में दोस्तों उन्होंने बनाया सिर्फ 26 रन, उसके बाद भी उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में मौका दिया गया शिखर धवन को हटाकर, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में दोस्तों दोनों ही इनिंग में जो है वो 0 पर आउट हुए। इसके बाद उन्हें तो तीसरे मैच से निकाला गया, उसके बाद दोस्तों लास्ट के 2 मैचों के स्क्वाड से भी निकाला गया और अब जो है उनकी वापसी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। तो दोस्तों ये थे वो 5 खिलाड़ी जिनके ऊपर काफी ज्यादा उम्मीद टिकाई थी टीम इंडिया ने इस टेस्ट सीरीज से पहले, लेकिन इन्होंने जो है दोस्तों काफी ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस दिखाया और अब जो है इनकी वापसी हो पानी काफी ज्यादा मुश्किल। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कौन से प्लेयर की इनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल होगी वापसी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।